एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले एक कंसेप्ट आपको समझना है जो हम 9.2 में यूज करेंगे, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रख लेना, ठीक है। देखो ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस पर मैंने यहां पर एक पैरेललोग्राम बनाया, मैंने एबीसीडी बनाया। यहां पर मैंने कोई एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ट्रायंगल सीडीई। पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड ट्रायंगल सीडीई में कॉमन बेस है सीडी और दोनों सामने एक ही पैरेलल को टच करते हैं, दैट मीन्स दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है। अगर कोई एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल दोनों का एक कॉमन बेस है और दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। थ्योरम 9.1 में हमने क्या प्रूव किया, कॉमन बेस और बिटवीन सेम पैरेलल, अगर दो पैरेललोग्राम है तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर ये कोई थ्योरम नहीं है, ठीक है, पर ये आपको याद रखना है। ये आपकी बुक का एग्जांपल 9.2 है, आपकी बुक का क्या है, एग्जांपल 9.2। एग्जांपल 9.2 में क्या है कि अगर एक कॉमन बेस पर बिटवीन द सेम पैरेलल्स आपको ये ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हो तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ट्रायंगल ऐसे ना ड्रॉ किया हो, मीते से पुष्पराज बेटा बात तो पूरी थी गई बने नी, पैरेललोग्राम तो ऐसे ही है, अगर ट्रायंगल ऐसे बनाया है तो भी वही रहेगा ना, क्योंकि दोनों का बेस कॉमन है डीसी, ठीक है। वोल्टाइज सामने के पैरेललोग्राम को टच कर रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल आप किसी भी तरीके से बना, कंडीशन है कि दोनों का बेस कॉमन होना चाहिए और दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल होने चाहिए। फिर पैरेललोग्राम कोई भी तरफ बना हो, ट्रायंगल कोई भी तरफ बना हो, इट डजंट मैटर, क्लियर। हाफ ही होता है ट्रायंगल, हाँ, ऑलवेज एरिया एरिया, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, नॉट अदरवाइज, क्लियर। नाउ एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखना, हमने 9th स्टैंडर्ड में आपका 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर कौन सा था, मेंसुरेशन कौन सा चैप्टर नंबर है, 11, हाँ, स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पर हमें एक पैरेललोग्राम दिया है एबीसी, पैरेललोग्राम एबीसीडी में बेस डीसी पर एक हाइट ड्रॉ की है एई, हाइट मतलब
पैरेललोग्राम के किसी भी वर्टाइस में से ऑपोजिट साइड पर आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो दैट इज नोन एज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। आया समझ में? ठीक है, पैरेललोग्राम के किसी भी एक वर्टाइस में से आप उसकी ऑपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर और जहाँ पर वो परपेंडिकुलर बनता है वो साइड क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेस। तो हमने बेस डीसी पर हाइट लिया है एल। ठीक है, और पैरेललोग्राम में एक ही बेस और हाइट की पेयर मिले ऐसा जरूरी नहीं है। चार साइड है तो चारों को अलग अलग बेस कंसीडर कर आप अलग अलग हाइट ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेस और हाइट की कितनी पेयर मिलेगी? टोटल फोर पेयर। ठीक है, तो ये एक पेयर हुई बेस डीसी और हाइट ए। वैसे ही मैं एडी को बेस कंसीडर कर सी में से हाइट बना रही हूँ। अगर मैं एडी को बेस कंसीडर करूं तो उसका ऑपोजिट वर्टाइस सी में से हाइट ड्रॉ की मैंने सी एम। ठीक है, नाउ हमें जो भी दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया है एई, एई इज परपेंडिकुलर टू डीसी। ठीक है, सी एफ किसको परपेंडिकुलर है? एडी के। सी एफ इज परपेंडिकुलर टू एडी। फिर हमें एबी की वैल्यू दी है 16 सेंटीमीटर, एई दिया है 8 सेंटीमीटर, सी एफ 10 सेंटीमीटर और हमें एडी फाइंड करना। जो गिवन है वो हमने लिख दिया और जो फाइंड करना है वो भी लिख दिया। यहाँ पर कुछ प्रूव नहीं करना है, हमें एडी की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रूव नहीं करना है तो गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ ऐसा कुछ नहीं आएगा, ओनली कैलकुलेशन। क्लियर? नाउ पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स कैसी होती है? इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर हमें एबी 16 दिया है तो उसकी ऑपोजिट साइड डीसी भी कितनी होगी? 16 होगी। एबी इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू 16। रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस डीसी पर हाइट कौन सी है? ए। तो हमारे पास बेस डीसी की वैल्यू आ गई, हाइट ए की तो हमें ऑलरेडी दे रखी है, तो पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, एरिया ओ ए बी सी डी लिखते हैं ना ऐसे। ठीक है, इज इक्वल टू बेस डीसी इंटू हाइट ए। यहाँ पर आप लिख सकते हो बेस इंटू हाइट। मैंने बेस डीसी लिया तो उसके ऊपर की हाइट कौन सी बनी? ए। याद रखना कि आप कभी भी अगर पैरेललोग्राम का एरिया लिखते हो तो जो आप बेस लेते हो ना उसकी ही हाइट लेनी है। यहाँ पर मैं बेस एडी ले लूँ और हाइट सी एफ ले लूँ तो वो नहीं चलेगा। आप जो बेस ले रहे हो उसके पर की ही हाइट आपको लेनी है, कंपलसरी। क्लियर? ना डीसी यहाँ से 16, ए गिवन है ए, तो 16 ए इसका कितना होता है? 128। दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर में तो एरिया क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ एबीसीडी इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हमें फाइंड क्या करना था? एडी। एडी मतलब ये बेस है, उसके ऊपर का हाइट कौन है? सीएफ जो गिवन है। ठीक है, तो मैं ये बेस और हाइट लेकर भी एरिया फाइंड कर सकती हूँ और ये बेस और हाइट लेकर भी एरिया फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, पैरेललोग्राम तो एक ही है, आप कोई भी बेस या हाइट की पेयर लो एरिया तो हमें सेम ही आना है क्योंकि पैरेललोग्राम एक ही है। तो आप चार पेयर बनती है ना बेस हाइट की, चार में से कोई भी पेयर लो एरिया की वैल्यू तो आपको वही मिलनी है। ठीक है, कोई भी पेयर लो बट एरिया की वैल्यू तो वही रहेगी।
ठीक है। तो पहले मैंने पेयर ली थी डीसी और ए की, अब मैं ले रही हूँ एबी और सीएफ की। नाउ एरिया ऑफ एबीसीडी इज इक्वल टू बेस लिया एडी और हाइट लिया सीएफ। अब एरिया ऑफ एबीसीडी मुझे कितना मिला, वो यहाँ पर मैं रख देती हूँ। इज इक्वल टू एडी मुझे फाइंड करना है, सीएफ कितना गिवन है 10, तो ये 10 इस तरफ आएगा तो डेनोमिनेटर में, तो एडी इज इक्वल टू क्या होगा 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर एरिया था इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये साइड की लेंथ है तो वो स्क्वेयर में नहीं आती, लेंथ किस में आती है सेंटीमीटर या तो मीटर में, यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर। अगर सब कुछ मीटर में होता तो मीटर और एरिया मीटर स्क्वायर। यह मिल गया आईडी लिख लो बेटा, શું કરવાનું ને શું નહીં ને એવું બધું ક્વેશ્ચન ની સ્ટાર્ટિંગ માં ટોટલી વસ્તુ બોલું છું, પણ તમારું ધ્યાન ક્યાં હોય, મેં ક્લિયરલી બોલા થા કે યહાં પર કુછ પ્રૂવ નહીં કરના હૈ, હમે ફાઇન્ડ કરના હૈ, તો ગિવન ટુ પ્રૂવ એન્ડ પ્રૂવ તીન પાર્ટ નહીં લિખેંગે, વો મેને બોલા થા। डन एवरीवन, जल्दी करो बेटा, फिगर ड्रॉ करने का टाइम वेस्ट मत करो, टेक्स्ट बुक में दी है ऑलरेडी। वीडियो बंद कर, नहीं बेटा वीडियो बंद नहीं होगा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से सब कुछ दिखता है ठीक है, यहीं पे बैठा आया था। जो क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी फिगर दी है उसकी फिगर ड्रो करने में टाइम वेस्ट मत करो, जो नहीं दी है वो यहाँ से करो, वो आप घर पे जाके टेक्स्ट बुक में से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर टू, इफ ई एफ जी एच आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी इसमें ई एफ जी एच आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ दी साइड ई एफ जी एच ठीक है, देन शो दैट एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू वन ऑफ दी एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये ई एफ Thank you.
देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, EFGH at the midpoints of the side of parallelogram ABCD. Then we have to prove that area of this EFGH is equal to one half the area of ABCD. Now, तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है, तो हम given to prove and proof तीन पार्ट में लिखेंगे. जहाँ पर प्रूव नहीं करना है, फाइंड करना है, वहाँ पर वो कुछ नहीं आएगा. बस given E F G H R D mid points of sides of parallelogram A B C D. We have to prove area of EFGH is equal to one half the area of ABCD. Now prove. कैसे करोगे? Any idea, anyone? क्या? बेटा पहले एक मिनट, पहले हम EFGH का एरिया फाइंड करें, फिर हम एबीसीडी का एरिया फाइंड करें. पर एरिया फाइंड कैसे करेंगे, हमारे पास तो कोई वैल्यू ही नहीं है. सही बात. ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और वो कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा. कहाँ पे होगा? हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि एग्जांपल 9.2 एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ईजी और यहाँ के एचएफ ज्वाइन करेंगे. अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना. मैंने यहाँ से ईजी और एचएफ को ज्वाइन कर दिया, तो दोनों पैरेललोग्राम, एक ये है पैरेललोग्राम एबीसीडी, इसका ईजी और एचएफ ज्वाइन कर दिया, तो फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. यस. नाउ एरिया, सॉरी, पैरेललोग्राम ईएफजीएच क्या था ये? इसे भी मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो फोर इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया. yes. ये फोर इक्वल पैरेललोग्राम बनेंगे छोटे छोटे, और यहाँ पर फोर इक्वल क्या बनेंगे? ट्राइंगल. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है. पैरेललोग्राम एबीसीडी में हमने ईएफ और सॉरी ईजी और एचएफ को ज्वाइन किया, तो ये फोर इक्वल पैरेललोग्राम्स बन गए. ठीक है. और अगर ये मैंने ईएफजीएच कंसीडर किया, तो उन दोनों में मतलब ईजी और एचएफ को ज्वाइन किया, तो फोर इक्वल ट्रायंगल बन गए. अब दूसरी बात, यहाँ पर मैं ओ नाम दे दूँ, तो ओ दोनों में कॉमन है. yes. अब मैं सिर्फ ये पार्ट ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ? सिर्फ ये पार्ट. यहाँ पर मैं ओ पॉइंट दे देती हूँ, सिर्फ ये पार्ट ले रही हूँ. ध्यान से सुनना,
ये A-O-E-O-H दिया मैंने। अब ये ई एच जुड़ा हुआ है तो एक ही पैरेललोग्राम के दो इक्वल ट्राइंगल बन गए। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन ऑफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ट्राइंगल किसका पार्ट है? ईजी सॉरी ई एफ जी एच का। और पूरा पैरेललोग्राम किसका पार्ट है? एबीसीडी का। तो अगर एक पार्ट में वो डबल है तो चारों पार्ट में वो डबल होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? देखो प्रूव करते जाएंगे ना तो इजीली समझ में आ जाएगा। प्रूव करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? जॉइन ईजी एंड एच एफ विच इंटरसेक्ट ईच अदर ए ओ। पैरेललोग्राम एईओएच एरिया ऑफ ट्राइंगल ईओएच विल बी द वन ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एईओएच। यस और नो? यस। एरिया ऑफ ट्राइंगल ईओएच इज इक्वल टू वन हाफ द एरिया ऑफ एईओएच होगा। गिव दिस इज इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली यहाँ पर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ईओएफ इज इक्वल टू वन ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीईबी एफओ। यस और नो? मैं ये ट्राइंगल ले रही हूँ ईओएफ। क्यों? क्योंकि वो ईएफ जीएच का पार्ट है, ये नहीं है। जैसा आप इसके लिए लिखते हो वैसा ही इसके लिए भी लिख सकते हो, बट ये हमारे पैरेललोग्राम ईएफ जीएच का पार्ट नहीं है। तो ई एफ जी एच में जो चार ट्राइंगल आते हैं उसी का मैं लिखूंगी, ठीक है? एक तो ये आ गया ईओएच, दूसरा यहाँ पर ईओएफ इज इक्वल टू वन ऑफ ऑफ एरिया ऑफ ईबीएफओ। यस और नो? ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ जीओएफ इज इक्वल टू वन ऑफ द एरिया ऑफ ओएफ जी ओएफ सी जी। सेम यहाँ पे होगा एरिया ऑफ एच ओ जी इज इक्वल टू वन ऑफ द एरिया ऑफ डी एच ओ जी होगा, ठीक है? सिमिलरली एरिया ऑफ ई ओ एफ इज इक्वल टू वन ऑफ द एरिया ऑफ ई ओ एफ बी। एरिया ऑफ एफओजी इज इक्वल टू वन ऑफ द एरिया ऑफ एफओजी सी। एरिया ऑफ एचओजी इज इक्वल टू वन ऑफ द एरिया ऑफ एचओजीडी एचओजीडी। अब चारों ट्राइंगल के एरिया का आप टोटल करो तो आपको पैरेललोग्राम ईएफ जीएच का एरिया मिल जाएगा, ठीक है? और अगर आप चारों पैरेललोग्राम कंसीडर करो, पैरेललोग्राम वन टू थ्री एंड फोर, तो एरिया ऑफ एबीसीडी मिल जाएगा। यस एंड इक्वेशन वन टू थ्री एंड फोर चारों की लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड। एरिया ऑफ ईओएच प्लस एरिया ऑफ ईओएफ प्लस एरिया ऑफ एफओजी। मम्मी आया आपके पीछे। प्लस एरिया ऑफ एच ओ जी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एईओएच प्लस वन हाफ आएगा नहीं? हाँ चलेगा।
एरिया हो प्लस वन हाफ ऑफ ए फोर सी सी प्लस वन हाफ क्लियर ना। चारों ट्राइंगल का एरिया टोटल करो तो क्या आएगा एरिया ऑफ ई एफ जी एच। ठीक है इज इक्वल टू चारों में वन हाफ है यहाँ पर तो वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है और चारों पैरेललोग्राम का टोटल करो तो पूरा पैरेललोग्राम एबीसीडी मिल जाएगा। हो गया प्रूफ। एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ बी एरिया ऑफ ए बी सी डी। अच्छा यहाँ पर ए आर लिखना भूल गई हूँ। बस Thank you.
हो गया है सबका? जल्दी करो बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। पी एंड क्यू आर एनी टू पॉइंट्स लाइन ऑन दी साइड्स डीसी एंड एडी रेस्पेक्टिवली, मतलब साइड डीसी पर कोई पॉइंट क्यू है कहीं पे भी, आप कोई पॉइंट कहीं पे भी पॉइंट पी ले सकते हैं। हो मिड पॉइंट है या क्या है वो हमें नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला है कि पी लाइज ऑन दी साइड डीसी, तो कहीं पर भी मैंने यहाँ पर ले लिया पॉइंट पी। ठीक है, फिर क्यू किस पर लाई करता है? एडी पर। एडी पर कहीं पे भी आप पॉइंट क्यू ले सकते हो, मैंने यहाँ पर ले लिया पॉइंट क्यू। अब हमें क्या बोला है, शो दैट एरिया ऑफ एपीबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी। ये बन गया ट्राइंगल एपीबी इज इक्वल टू क्या है, बी क्यू सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी। तो ये रहा बी क्यू ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल के एरिया को हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, नाउ बी वन, पी एंड क्यू आर टू पॉइंट्स लाइन ऑन दी साइड्स शांति थी बेसोन बेटा सुका में हलावो छो पी एंड क्यू आर टू पॉइंट्स लाइंग ऑन दी साइड डीसी एंड एडी ऑफ पैरेललोग्राम एबी सीडी टू प्रूव एरिया ऑफ एपीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू सी। नाउ प्रूव मैंने आपको एग्जांपल 9.2 के बारे में बोला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन ऑफ दी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बट वेन जब दोनों का बेस कॉमन हो और दोनों बी इन द सेम पैरेलल्स हो तब। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल एपीबी ये मैंने ये से ड्रॉ किया पैरेललोग्राम एबीसीडी, यहाँ पर है पॉइंट बी, ये बना ट्राइंगल एपीबी, दोनों में कॉमन बेस क्या हो गया एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो एबी एंड डीसी पैरेलल तो हो गए ही, दोनों का कॉमन बेस क्या हो गया एबी और सामने का पैरेलल डीसी पर सीधी पॉइंट पी है, एबीसी एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी इज इक्वल टू वन ऑफ दी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। ठीक है, ट्राइंगल एपीबी एंड पैरेललोग्राम एबीसीडी लाई ऑन द सेम बेस एबी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स
AB is parallel to DC. Therefore, area of triangle APB is equal to one of the area of parallelogram AB CD. If this is equation number 1. अब BQC ले रही हूं. पैरेललोग्राम एबीसीडी में यहां पर दिया है पॉइंट Q. तो ये बना ट्राइंगल BQC. कॉमन बेस BC. पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड BC है AQ. AD पैरेलल. तो सेम हुआ ना. एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC इज वन ऑफ द एरिया ऑफ एबीसीडी. ठीक है. Now, triangle BQC and parallelogram ABCD lie on the same base BC and between the parallel line between the BC and same parallels. Same parallel AD. BC parallel AD. Therefore, area of triangle BQC is equal to one of the area of parallelogram AD. Equation number 2. 1 and 2 में right hand side common है. हाँ. तो left hand side common होगी. Yes. From 1 and 2. Area of APB is equal to area of BQ. Yeah? Yes, please look.